is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर इन दिनों उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल के कारण योगी सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी कई बार मुगलसराय का नाम बदलकर मुगल चालक, मंगलपुर और ओवन नगर रखे जाने का रिकॉर्ड मिलता है। साल 1862 में ब्रिटिश सरकार के भारत में रेलवे लाइन बिछाने पर पटना मुगलसराय डिवीजन और साल 1864 में मुगलसराय इलाहाबाद डिवीजन बना था, लेकिन रेलवे के साल 1883 में यहां जंक्शन बनवाने के बाद इसे मुगलसराय नाम दिया गया। संघ के दस्तावेजों में भी साल 1970 में मुगलसराय का नाम बदलकर जनसंघ नेता दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखे जाने का विवरण मिलता है। मुगल काल के दौरान मुगलसराय उत्तर भारत और पूर्वी भारत के बीच के मुख्य कॉरिडोरों में से एक था और अब मुगलसराय को दुनिया भर में एशिया के सबसे बड़े रेलवे यार्ड के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि आरएसएस विचारक दीनदयाल उपाध्याय की विरासत को पुनर्जीवित करने के तहत यूपी सरकार ने केंद्र सरकार को मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे राज्यसभा में एसपी नेता नरेश अग्रवाल समेत कई सांसदों के विरोध के बाद मंजूरी मिल गई है। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।